हेलो दोस्तों, तो आज हम न्यू ब्लॉग लेकर आ गए हैं निर्वाणा रेस्टोरेंट का, जो कि बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है। तो आइए इसका लोकेशन चल के देख लेते हैं। तो ये जो लोकेशन है आपका, ये आपका पड़ जाता है सहजना चौक में, और मैं एग्जैक्ट अभी सहजना चौक से राइट टर्न ली हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉल ज्वेलर्स पड़ता है लेफ्ट साइड में। पॉल गोल्ड ज्वेलर्स के जस्ट बगल वाला जो कॉम्प्लेक्स है, उसी में आपको मिल जाएगा निर्वाणा रेस्टोरेंट। इसी कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर में आपको मिल जाएगा सीताराम ज्वेलर्स, और रूफ टॉप पे मिल जाएगा आपको निर्वाणा रेस्टोरेंट। और निर्वाणा रेस्टोरेंट जो है वो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो जो भी वेजिटेरियन लोग हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट खुला है ये निर्वाणा, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। तो नीचे से लिफ्ट पकड़ के हम सीधा ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे हम थर्ड फ्लोर पहुँच गए हैं। थर्ड फ्लोर में ये आप देख सकते हैं, इसका डेकोरेशन बाहर से ही बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है। पूरे स्टेयर से ही इसका डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये बहुत सुंदर से विंग्स लगा हुआ है, विंग्स जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, मतलब फ़ोटोशूट आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेस्क है जहाँ पे निर्वाणा का लोगो लगा हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे, और देखिए वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक। सीरियसली इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आप एक बार ज़रूर से आए। मतलब यहाँ पे ग्रीनरी भी इतना है, इतना ज़्यादा ये लोग प्लांटेशन करके रखे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब जिसको भी नेचर से कनेक्टेड रहना पसंद है, उनको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप ये देखिए, ये यहाँ से पूरा रांची का लोकेशन आपको दिख जाएगा, इतने हाइट पर ये। और फ़ोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही प्यारा जगह है, मतलब रियली हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट करवाए हैं यहाँ पे आने के बाद। यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब लाइक आप एक सप्ताह ग्रुप में 15 लोग भी आ रहे हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, कंजेस्टेड बिल्कुल नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप बुकिंग्स भी कर सकते हैं। देखिए इसका रूफ़ का डेकोरेशन कितना सुंदर है, मतलब बहुत ही सिंपल है बट बहुत सुंदर लग रहा है, लुक बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। पूरे इंडोर प्लांट से इसमें डेकोर किया हुआ है। आप ये देखिए, मेनू कार्ड में दिखा दे रही हूँ आपको, प्राइस भी ठीक है, नॉट सो हाई, रीजनेबल रेट है। एक बार मेनू कार्ड को गो थ्रू कर ले। हमने यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ऑर्डर किया था। सबसे पहले हमने चाय मंगाया, चाय बहुत ज़्यादा मन कर रहा था चाय पीने का, हमने पहले चाय मंगाया। चाय का टेस्ट अच्छा था, नॉर्मल जैसे रहता है, मतलब बहुत अलग कुछ नहीं बोलूँगी। उसके बाद दिन हमने पनीर चिली मंगाया, पनीर चिली बहुत डिलीशियस था एक्चुअली, बट जो पनीर के पीसेस थे वो काफ़ी बड़े थे। उसके बाद हमने बेबी कॉर्न चिली मंगाया, ये बहुत डिलीशियस था, परफेक्ट था, जैसा होना चाहिए। और नूडल्स भी बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी सही था। हम लोग 5 लोग थे, 5 लोगों में अच्छे खासा डिवाइड हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे और कम भी नहीं बोलेंगे, इट वॉज़ नाइस। उसके बाद हमने मेन कोर्स में पनीर लवाबदार मंगाया था, जिसमें काजू से गार्निश किया हुआ था, ये बहुत डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा मतलब। साथ में हमने प्लेन रोटी मंगाया था और मशरूम कढ़ाई मंगाया था। मशरूम कढ़ाई भी ठीक था, बट पनीर ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद हम बढ़ते हैं रूफ़ टॉप की ओर, और ये हम चल रहे हैं रूफ़ टॉप में, जो रूफ़ के भी रूफ़ टॉप में है मतलब। यहाँ से हम एंटर करते ही आप देख सकते हैं, वाओ, मतलब इसका डेकोरेशन तो और सुंदर है। मतलब अगर ये विंटर नहीं होता ना, तो डेफिनेटली मैं ये रूफ़ टॉप पर ही हम लोग मतलब इन्जॉय करने आते और यहीं पार्टी करते, बट क्योंकि ये ठंडे के मौसम है और हम ऊपर नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये पूरा ओपन है, मतलब यहाँ से आप बैठे बैठे स्काई देख सकते हैं, तारे गिन सकते हैं भाई। ये भी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ भी आराम से आपका 50 लोग तो आराम से आ जाएंगे, मतलब अगर आप बर्थडे एंड ऑल के लिए बुक करते हैं तो। और जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और ये सब ऐसा नहीं कि फेक प्लांट्स लगे हुए, सब रियल प्लांट्स हैं, सब इंडोर प्लांट्स हैं, सबके सब। तो बहुत ही सुंदर सा जगह है, मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप यहाँ बिल्कुल जाएँ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये जगह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।